पहली बार मैंने देखा कि इस तरह से रुई की खेती होती है। कपास के खेत मैंने जीवन में पहली बार देखे हैं। रोड खराब है, लगातार बंप हो रही थी, तो जो प्लेट है वो एक दो जगह से अभी हम लोगों ने देखा कि उसमें क्रैक हो गया है। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका औरंगाबाद में। तो मैं हूँ औरंगाबाद सिटी में, दो दिन हम यहीं रुके, देखा अपने के बाइक के साथ जो हुआ वो यहीं ठीक हुआ। तो अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ, राजीव बताएंगे? श्रीडी। दोनों लोग तैयार हैं, सुबह के लगभग 6:30 हो गए, क्योंकि सवेरा अभी नहीं हुआ है, थोड़ी देर में हो जाएगा। लगेज वगैरह हम लोगों ने बांध लिया है, चलिए अपने सफ़र को शुरुआत करते हैं। तो यहाँ हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा, ये सिटी भी बहुत अच्छी है, खाने की क्वालिटी यहाँ बहुत अच्छी है, इसकी विरासत, यहाँ की संस्कृति बहुत अच्छी है, और एलोरा की गुफाओं देखकर तो हम सभी दोनों आश्चर्यचकित रह गए, मज़ा आ गया, लगता है एक अलग ही दुनिया है और एलियंस की दुनिया है, क्या नक्काशी है। और यहाँ के घाट, लेकिन घाटों का सफ़र अभी जारी रहेगा, क्योंकि आज हम जाएंगे पहले शिरडी और कोशिश करेंगे पहुँचने की भीमाशंकर। तो लेकर ओम साई धाम का नाम करते हैं अपने सफ़र की शुरुआत, और मिलते हैं आपसे मोटो ब्लॉगिंग मोड में। तो फाइनली बाइक रेडी, लेकिन चाय नहीं पी है, तो पहले पियेंगे कप चाय कहीं, फिर बढ़ाएंगे सफ़र को आगे। तो चलिए लेकर भोलेनाथ का नाम बढ़ते हैं आगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमी वा वंदना बढ़ते और मुझे मामले था। हर हर महादेव, जय विश्वकर्मा। रुके हैं हम क्रांति चौक पुलिस स्टेशन पर चाय पीने, चाय पीते हैं और फिर निकलेंगे। आए हो गई एक शानदार सी सुबह, उम्मीद से भरी एक नई सुबह, और हम निकल रहे हैं औरंगाबाद से शिरडी की ओर। ओम साई राम। लेकिन एक बात है दोस्तों, कि यहाँ की सड़कों का एक बहुत गलत आदत है कि इतनी अच्छी रोड मिलेगी और रैंडमली आपको एक ऐसा गड्ढा मिल जाएगा कि आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा गड्ढे में घुस जाएगी। हाईवे की भी यही हाल है, थोड़ा हमें ध्यान रखने की आवश्यकता रहती है, तो यहाँ थोड़ा संभल के बाइक चलाएं। चलिए मिलते हैं, सफ़र को बढ़ाते हैं आगे। ये है औरंगाबाद शहर, और हम जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं यहाँ के महावीर चौक की तरफ। तो शिरडी यहाँ से 101 किलोमीटर, और ये है दिन का पहला टोल टैक्स, और राजीव भाई गाड़ी खड़ा रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छी नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं बार बार गाड़ी बंप कर रही है, तो एलिवेशन जो है वो बहुत ही ऑकवर्ड सा है। अब बहुत सुबह सुबह काफ़ी ट्रैफिक मिल रहा है इधर। शानदार सी सुबह है अहमदाबाद शिरडी के रोड पे, फोटोग्राफी, और ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है। राजीव भाई फोटोग्राफी, ट्रैफिक बहुत है, गाड़ियों सरपट भाग रही हैं। और एक चीज़ दिखाऊं आपको, बहुत ही नहीं, वहाँ एक एरोप्लेन लग रहा है जैसे सूरज को टच करने जा रहा है, सूर्य देव को टच करने जा रहा है, दिखाता हूँ मैं। सड़क से हम उतर गए हैं ग्रामीण सड़क पे,
श्रीरामपुर होते हुए लोगों ने बताया है कि आप निकल गए। थोड़ी धुंध है, रोड थोड़ी खराब। ये सारा कपास है, ये जो उजला उजला आपको दिख रहा है सारा कॉटन है। तो कपास की खेती होती है जबरदस्त तरीके से। और रोड तो रोड है भाई। तो अहमदनगर से पहुंचने वाले हैं। नवासा फाटा का इलाका है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और रोड इतनी ख़राब है कि फाइनली राजीव ने डिसाइड किया कि एक टी ब्रेक की जाए। तो सुबह टाइम क्या हो गया? टाइम अभी हो रहे हैं 8। तो यहाँ से 1.5 घंटे का सफ़र अलग है, अभी चाय पियेंगे फिर 1.5 घंटे। लेकिन ये इलाका जो है ना वो गन्ने की खेती और कपास के लिए बड़ा रिच है। कहीं अच्छा व्यू पॉइंट मिलेगा तो मैं आपको कपास का और गन्ने के खेत के ड्रोन शॉट बनाता हूँ। पूरा कॉटन है, तो ये है पूरे कपास की खेती। तो ये रुई है, देखेंगे शानदार, ये इसका फूल है पूरा कॉटन शानदार। पहली बार मैंने देखा कि इस तरह से रुई की खेती होती है, नेचुरल रुई। ओह टूट गया। और इधर पूरा गन्ना कपास। शानदार है ना, पहली बार हम देखे कि इस तरह से कीड़ा। कौन सा कीड़ा? कपास का कीड़ा। अच्छा ओह, तो चलिए एक ड्रोन शॉट लिया जा। भी जुड़ी कुछ एक नेगेटिव खबर है कि बहुत ज़्यादा पानी लगता है और इसने बहुत ज़्यादा सूखा को महाराष्ट्र में बढ़ाया है। हालांकि मैं ये सब चीज़ें कहने के लिए सही व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन ये कपास के खेत मैंने जीवन में पहली बार देखे हैं। और ऐसा लगता है कि बर्फबारी के बाद जो ओले गिरते हैं ना वो ओलो है। चलिए जिंदगी की यही रीत है। राजीव रेडी? चलो तो अब सफर शुरू किया जाए।
क्या हुआ? हाँ, रोड खराब है, लगातार बम्प हो रही थी, तो जो प्लेट है वो एक दो जगह से अभी हम लोगों ने देखा कि उसमें क्रैक हो गया है, तो मैंने अपना बंजी कॉर्ड लगा के बांधा है, आगे इसको सीढ़ी में आप वेल्डिंग कराएंगे, तो चलिए अब उम्मीद है आगे रोड सही होगी। वो वेल्डिंग कराने के लिए रुके हैं, पर पब्लिक की पूरी भीड़ लग गई, कौन दो बाइकर आ गए। राजीव ने भी एकदम गाँव चुना है वेल्डिंग कराने के लिए, एक कौतूहल का विषय है लोगों में। लगातार राइड कर रहे थे, सड़क थोड़ी सी बीच में खराब थी, तो राज बहुत ज्यादा बम से ये जो प्लेट है का प्लेट वो टूट गया, तो उसको वेल्डिंग कराने के लिए रुके हैं। तो हाँ, कौतूहल सा है पब्लिक में, गाड़ी को जरूर ठीक कराते हैं। अरुण मिलती यही वेल्डिंग कराना है, वेल्डिंग कराने के बाद फिर माउंट करेंगे, अब तक फिर निकलेंगे सीढ़ी के। प्लेट वेल्डिंग हो गई है, तो वेल्डिंग के बाद प्लेट को लगाया जा रहा है, लगाते ही जा रहा है। फाइनली बाइक रेडी, प्लेट माउंटेड हो गए, तो भैया का धन्यवाद। समीर रिपेयरिंग वर्क पे हम लोग रुके थे और यहीं पे जाके गाड़ी वेल्डिंग कराया, तो थैंक यू सर, आप लोगों का धन्यवाद। और तुम मेरे पैसे भेज देना। अब तुमको मैसेज करेंगे इंस्टा पर। ओके, रिप्लाई दोगे ना? हाँ दूंगा, लेकिन अभी से 10 दिन के बाद, ठीक है? अभी सिर्फ अपन घूमेंगे, कोई इंस्टाग्राम नहीं, फेसबुक नहीं, चलो ठीक है। पोड़ ना ले, अमरूद के अभी पेड़ है और चिड़िया खा ना ले तो उसको ऐसे पैक कर रखा है। बहुत शानदार गेंदे के फूल की खेती हो रही है और इधर बीच बीच में अंगूर के भी बगान देखने को मिलते हैं, अंगूर के खेत देखने को मिलते हैं, गन्ना कहीं, कपास कहीं, अंगूर। वैसे आपको बता दूं, ये जो रेड वाइन है नासिक में वो इसी सब इलाके से जाती है। और हम बढ़ रहे हैं शिरडी की ओर इन खूबसूरत सी सड़क पर, कभी कभी थोड़ा ऑफ रोड होता है, ग्रामीण सड़क है, लेकिन नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं। शनिश महाराज का मंदिर शिरडी यहाँ से 5 किलोमीटर, और ये शिरडी का शहर है, 5 किलोमीटर के बाद मंदिर आ जाएगा। तो देखते हैं कहीं होटल वोटल लेते हैं। बीच में जो राजीव की बाइक का टॉप बॉक्स का प्लेट क्रैक कर गया, इसके वजह से हमें 2 घंटे लग गए वो सारी चीज़ ठीक कराने में, तो लगता है आज शिरडी रुकना पड़ जाएगा, तब हम बढ़ेंगे भीमा शंकर की ओर। चलिए बढ़ते हैं होटल, उसी होटल में मिलते हैं, होटल में। तो राजीव जा रहा है, एक होटल है, होटल साई एमी। यूट्यूब का वीडियो बनता है, यूट्यूब का? हाँ, तुम बना देगे वीडियो और यूट्यूब पे डाल देगा? हाँ, तो अभी हम हैं होटल साई एमी में,
भाई ने रोक के बोला कि अच्छा रूम दूंगा, और राजीव बात कर रहा है अगर अच्छा रूम नहीं मिला तो भाई से एक चाय के पैसे ले जाऊंगा। हाँ, अंकल जी पूछ रहे हैं ये क्या है, तो मैंने बताया कि ये कैमरा है, ये देखिए इस तरह से रिकॉर्डिंग होती है, मैं बोल रहा हूँ तो माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, यूट्यूब का आपका चैनल है तुम्हारा? जी, ये मेरा चैनल है, चैनल का नाम क्या है? घुमक्कड़ बिहारी बंदा, मैं बिहार से आ रहा हूँ। सिंगापुर गए थे क्या? नहीं नहीं, हम आ रहे हैं अभी औरंगाबाद से। औरंगाबाद साइड से किया क्या? हाँ ठीक।